नमस्ते है जी दोस्तों, मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम रिश्तों के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसा मैजिकल तरीका बताने वाला हूँ जो खराब से खराब रिश्तों को भी ठीक कर देता है। खैर, यहाँ पर रिश्तों को ठीक करने की बात हम नहीं करेंगे, हम पहले करेंगे रिश्तों को जोड़ने की बात। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन कई कारण ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे ऊंच नीच की भावना हो। तो एक ऐसा तरीका है हमारे हीलिंग साइंस में जिसका प्रयोग करने से चीज़ें सुलझ जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों आपस में मिल जाएंगे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने शुरू हो जाएंगे, आपके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाएगा कि जो बाधाएं हैं वो अपने आप दूर होनी चली जाएगी और सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आइए पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले एक सर्कल तैयार करेंगे, ठीक है? सर्कल तैयार हो गया, एकदम ज़्यादा परफेक्शन में मत जाइएगा, हाथ से सर्कल तैयार कर लीजिए। अब मान लेते हैं एक नाम शालिनी, दूसरा नाम वैभव। अगर आप वैभव का जगह यहाँ पे वैभवी भी है तो भी ये काम करेगा, या फिर यहाँ पर दो लड़के भी हैं, मतलब कि राम और विनोद भी अगर किसी रिश्ते में आना चाहते हैं उस कंडीशन में भी ये वैसा ही काम करेगा। दुनिया क्या कहती है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, जो सच है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी के लिए अपने रिश्ते कीमती होते हैं ये हम जानते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा एक एंजल नंबर लिखना है, एंजल नंबर काफ़ी लेंदी है तो आपको बहुत ध्यान से लिखना है। और सर्कल के अंदर ही पूरा करना है, ठीक है? एंजल नंबर है 9 7 1 8 3 1 9 5 7 5 1 4 8 1 7 9। एक लाइन में कंप्लीट हो जाए तो ठीक है, तो दो लाइन में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो अब आप समझ गए हैं ये सर्कल, बस ये यंत्र इतना ही है, इसके साथ और कोई छेड़छाड़ नहीं। यही पर इसी के अपोजिट अगर आप कोई संबंध विच्छेद करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती का संबंध चिपका हुआ है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ इसी एंजल नंबर के साथ इसको ऐसे कट कर देंगे और सारी प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे होनी है, मतलब कि जोड़ने के लिए ये और तोड़ने के लिए ये। चलिए आगे समझते हैं। इस एंजल नंबर के साथ आपने ये यंत्र तैयार कर लिया। आप ये यंत्र तैयार करने के बाद, जैसा कि मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, आप भी किसी को नहीं दिखाएंगे, आप इसको बस ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है? और अब हाथों में रख करके आप दोनों जो चीज़ होना चाहिए कि परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट मिलना चाहिए, आप लोग शादी कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से ऐसे घर में रह रहे हैं, इस तरह की कल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए, कल्पना करते हुए, परमात्मा को धन्यवाद करते हुए इसको अपने तकिए के नीचे रख लेंगे। आप भी और आपके पार्टनर भी दोनों ही इस विधि को करेंगे। ये जो विधि है बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 12-13 लोगों के साथ ये प्रयोग किया है और सभी को बराबर रिजल्ट आए हैं, और ये शादी का ही सीज़न चल रहा है तो उनमें से मैक्सिमम लोगों की शादियां हो भी रही, तो ये ज़रूर कीजिएगा। और लिखने के बाद खुद भी मजा तो मत देखिएगा, जहां वो कंप्लीट हुआ फोल्ड कर लिया और शुरू कर लिया, ठीक है? तो अब हम समझते हैं इसका प्रयोग कितने दिनों तक करना है। 21 दिनों में इसका रिज़ल्ट आ जाता है, 45 दिनों तक करिएगा, लेकिन रिज़ल्ट अगर आ भी रहा है तो भी 45 दिनों तक करना। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लंबा समय लग जाता है बेटा,
तो रुको मत, 45 दिन कर लिए हो तो भी आगे बढ़ते रहो, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट आ भी रहे हैं या नहीं भी आ रहे हैं तो भी, क्योंकि हर किसी के कर्मास अलग होते हैं, हर किसी का घर अलग होता है, हर किसी का परिवार अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है। तो आशा करता हूँ ये जो अध्याय है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। करिए, और जिनका भी सब अच्छा हो गया है मुझे कमेंट में लिख करके बताइए अपनी कहानी, या मुझे इंस्टाग्राम में बताइए अपनी कहानी। ऐसी कहानियों को जब मेरे द्वारा किसी बताए हुए उपाय से आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो जाता है, और वो मैं जब मुझे ये पता चलता है कि सब अच्छा हो गया, तो बड़ा सुकून सा मिलता है, बहुत शांति मिलती है, अपने आप में बहुत बड़ा रिवॉर्ड फील कर पाता हूँ मैं। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।